हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख सकते हैं कि अभी हम डाउनटाउन में हैं और आज हम डाउनटाउन एक्वेरियम घूमने के लिए आए हुए हैं। और अभी तक अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में बने रहें। हम डाउनटाउन एक्वेरियम के अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ये साइड में है, अंदर में साइड में है और झूला लगा हुआ है। बच्चे लोग यहाँ पे झूल रहे हैं। मुझे तो ये सब देख करके अपने गाँव का याद आ रहा है। गाँव के मेला में इतना तो अच्छा नहीं, बट हाँ झूला ये बड़ा वाला ऐसा रहता था। तो आप लोग देखते रहिए आगे, इससे भी बहुत एडवेंचर चीज़ आप लोग को हम दिख। दोस्तों, हम वीडियो शूट कर रहे थे तभी मेरे पीछे से अचानक ट्रेन आई और आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत टॉय ट्रेन है। लोग इस पर बैठ करके पूरे डाउनटाउन एक्वेरियम को घूम रहे हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा था। आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे कितनी खूबसूरत इमारतें हैं। ये डाउनटाउन ह्यूस्टन का है। अब मैं डाउनटाउन एक्वेरियम के अंदर आ गई हूँ और आते ही सबसे पहले मुझे ये खूबसूरत जेली फिश दिखा। मैं ये दावे के साथ बोल सकती हूँ, इतना खूबसूरत मछली मैंने आज तक कभी नहीं देखा। अब आप देख सकते हैं हम आपको कैट फिश दिखा रहे हैं। ये आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये टर्टल है और अजीब तरीके का है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। वाओ, ये तो अलग ही है, इतना प्यारा अंदर का व्यू है। ये मछली भी अलग है इसका, आप देख सकते हैं मुँह कितना प्यारा है। अगर जल्दी से लाइक नहीं अगर किए हैं तो जल्दी से लाइक करें और जल्दी से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ह्यूस्टन डाउनटाउन एक्वेरियम अंदर से कैसा दिखता है। और आपको ये बता दे कि ये एक्वेरियम धरती के अंदर है। और आप देखिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। दोस्तों, हम आपको अब दिखा रहे हैं ये जहरीला मेढक है। दोस्तों, हाँ ये दोस्त ही है एक तरह से आप बोल सकते हैं। जितना जहरीला भी आप मेढक देखे थे उतना ही शरीफ ये बेचारा सांप है। इस सांप के साथ आप खेल सकते हैं, इसको आप पाल सकते हैं। इसका नाम ट्री बुआ है। जल्दी से इस सांप के नाम पे हर हर महादेव लेकर के कमेंट में लिख दीजिए और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, ये रेड लायन फिश है। बस बोलने के लिए ये लायन है। ऐसे ये बहुत क्यूट है। ऐसे लायन भी तो क्यूट ही होता है। नहीं नहीं, वो बहुत खूंखार होता है। तो आप देखते रहिए। दोस्तों, अभी हम आपको दिखा रहे हैं जो सांप, वो 10 फीट से भी ज़्यादा लंबा है। इसका नाम कोलंबियन बुआ है, लेकिन ये हमको अजगर जैसा लग रहा है। अब आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताएं। अब हम आपको अलग तरह का जेली फिश दिखाते हैं। हमको तो देखने से ये फ्लावर जैसा लग रहा था। आप देख सकते हैं ये बिच्छू है। बाप रे बाप, बहुत काला है। इसका नाम कलुआ आप रख सकते हैं। साथ कैसे रहा जाता है आप इन मछलियों से सीखे। बहुत सीखने की जरूरत है इंसानों को। अभी तक आपने बहुत खूबसूरत मछलियां देखा, बट ये क्या है डाउनटाउन एक्वेरियम में अपने भारत का व्हाइट टाइगर? आई कांट बिलीव। देखिए, महाराजा टेम्पल मंदिर का नाम दिया है इन्होंने। अमेरिका में ऐसा मिलना अपने भारत का कुछ मेरे लिए बहुत वाव। देखिए, ये उदास बैठा है। आई थिंक इसको भारत का याद आ रहा है, अपने देश का। बोलिए दोस्तों, साथ में लेकर के आ जाऊं क्या? अगर आप लोग बोले तो। अभी भी उदास है। चलना है, चलोगे इंडिया? देखिए नहीं बोल रहा है कुछ, मुंह फुला के बैठा है। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं ह्यूमन फ्रेंडली स्टिंग्रे फिश। आप देख सकते हैं कि ये कितना क्यूट है। सब लोग इसके साथ खेल रहे थे, कुछ लोग छोटी छोटी मछलियाँ इसको खिला रहे थे। और ये छूने में बहुत 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 ज़्यादा ही औसम था। मेरे ससुर जी भी इसके साथ, जो कि कभी मछली खाए नहीं हैं, यहाँ तक कि प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाए इसके साथ मस्ती करने में, उसको छू करके वो खुद भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। आप वीडियो में बने रहें और देखें आगे।
मेरे लिए तो बहुत औसम था। यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह का मछली देखने को मिला, और सबसे प्यारा तो मेरे लिए था यहाँ पे बंगाल टाइगर देखने के लिए, बहुत अलग था। उतना प्यारा तो हम जू में भी नहीं देख पाए थे उतने करीब से जितना यहाँ पे हमको देखने को मिला। और उससे भी ज्यादा अच्छा लगा वो अड़हुल का फूल देख करके, वो थोड़ा अपना टच किया इंडिया इंडिया से। पिताजी आपको कैसा लगा आज? अच्छा लगा। दोस्तों हम डाउनटाउन एक्वेरियम पूरा घूम लिए हैं, और यहाँ पे मैंने बहुत खूबसूरत खूबसूरत मछलियाँ देखा जो कि हम अपने लाइफ में तो अभी तक नहीं देखे थे इतना खूबसूरत मछलियाँ। और हम यही कोशिश किए हैं कि सब कुछ अच्छे से कैप्चर करके आप लोग तक पहुँचाएँ। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर करें। और एक बात, यहाँ पे हमने बंगाल टाइगर को देखा, काफ़ी करीब से देखा, इतने अच्छे से शायद हम जू में भी नहीं देख पाए थे, तो वही आपको दिखाने का कोशिश किए हैं। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे वीडियो में इतने देर तक बने रहें इसके लिए थैंक यू सो मच। जल्दी से सब्सक्राइब करें।